ऑर्डर दो। अगर सुसू करना तो बाहर कहीं जा कर लो ना, मेरा घर के तुझे पब्लिक टॉयलेट दिख रहा है या मेरे सिर पे बैठ के करेगी? अरे वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है, इसे तो घर में आने ही देता हूँ। अंकल जाने दो ना प्लीज, बहुत इमरजेंसी है। सॉरी सॉरी, आपको सुसू करना था ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके बेटा। सर थोड़ा सा पीने का पानी मिल सकता है क्या? पीने का पानी? हाँ मुझे दो मिनट दो, मैं अभी लेके आता हूँ। मुन्ना, ये मुन्ना रो क्यों रहा है? अरे ये डिलीवरी वाली लड़की कहाँ गई? नीचे रख मेरे बच्चे को। अरे अरे अंकल शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रही इसको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूछे बिना मेरे कमरे में आने की? ला मेरा बच्चा दे इधर। अंकल शांत हो जाओ, ये लो। कमीनी कहीं की बच्चा चोरी करती है, डिलीवरी वाली बन के घर में घुसती है और फिर बच्चा चोरी करके भाग जाती है। नहीं अंकल, मैं तो बस बच्चे की रोने की आवाज सुन के उसको चुप करवाने आ गई थी, उसे खिला रही थी बस। क्या खिलाने आ गई थी? चोर नहीं कहेगी, तुझे कैसे पता कि मेरे घर में? हाँ नजर रख के बैठी होगी, इसलिए ना बाथरूम जाने के बहाने आई और बाथरूम जाते हुए देखा कि हॉल में बच्चा तो है नहीं और फिर मुझे ना पानी के बहाने किचन में भेज दिया। जब मैं किचन में चला गया तो पीछे से बच्चा उठा के भागने लगी थी। खैर मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं अंकल, पुलिस को कॉल मत करना प्लीज, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा जब मेरे बच्चे को उठा के भाग रही थी तब प्रॉब्लम नहीं हुई थी? अंकल मैं आपको सब सच बताती हूँ, पुलिस को कॉल मत करना प्लीज, दरअसल ये बच्चा मेरा ही है। क्या ये क्या बक रही है तू? हाँ अंकल ये बच्चा मेरा है, दरअसल हुआ ये था कि करम जली कहां से मुंह काला करवा के आई अपना और आके मुझे न्यूज दे रही है कि तू प्रेग्नेंट हो गई है। अरे किसका बच्चा है ये? हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई पति पत्नी नहीं जो बच्चा करेंगे। वो चौबीस करण कि तुम क्या बोल रहे हो? यू ओनली टोल्ड मी कि तुम मुझसे शादी कर लोगे, इसलिए मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया और अब तुम मेरे बच्चे के बाप होने से मुकर रहे हो। मुकर नहीं रहा हूं, तुम्हें सच बोल रहा हूं कि मैं इस बच्चे को नहीं रख सकता। इनफैक्ट ना मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहना चाहता, जो एक कैजुअल से रिलेशनशिप को इतना सीरियस लेगी कि अपने पेट में बच्चा पाल के बैठ गई। कैजुअल रिलेशनशिप एंड व्हाट अबाउट ऑल दोस प्रॉमिसेस जो तुम मुझसे किया करते थे? अबे निब्बी हरामी हूं मैं, तेरा फायदा उठाना चाहता था सो उठाया, मुझे नहीं पता था तेरे पेट में बच्चा हो जाएगा और तेरे अंदर ममता जाग जाएगी। अरे तुझे अबॉर्शन करना है अबॉर्शन करवा, इसका रखना है रख, लेकिन मेरे माथे में से मत बढ़, समझी? निकल यहां से। मेरे माँ बाप ने मुझे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं किसी के प्यार के चक्कर में पड़ के ये कर बैठी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी प्रेगनेंसी वाली न्यूज सुन के मुझे डिच कर दिया। माँ बाप को तो मैं बता नहीं सकती थी, लेकिन जब मैं अबॉर्शन करवाने के लिए गई और मैंने अपने बच्चे की दिल की धड़कनें सुनी तो मुझे लगा कि मेरी गलती की वजह से या मेरे बॉयफ्रेंड की गलती की वजह से मेरा बच्चा क्यों भुगते, मैं किसी मासूम की जान कैसे ले सकती हूँ। इसलिए जब ये हुआ तो मुझे मजबूरन इसे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा, लेकिन वो क्या है ना, माँ हूँ ना, ममता तो जागेगी ही एक ना एक दिन। बस मैं अपने बच्चे को एक बार देखने के लिए जब अनाथ आश्रम गई तो मुझे पता चला कि उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया है और मुझे पता चला कि वो यही घर था, इसलिए मैं ये सब कुछ नाटक करके बस एक बार अपने बच्चे को देखने चली आई थी। अगर आप पुलिस को कॉल कर देते तो मेरे माँ बाप को पता चल जाता। तुम आजकल के बच्चे किसी के नहीं हो, ना अपने ना अपने बच्चों के और ना ही अपने माँ बाप के, सबको धोखा दे रहे हो तुम। ऐसे ही ना मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए, फिर मैंने सोचा मैं किसके सहारे जीऊं, इसलिए मैंने इस बच्चे को गोद ले लिया और इसमें मेरी अब जान बसती है और अब इससे भी तुम अपना हक जताने आ गई। नहीं नहीं अंकल, इस बच्चे पे मेरा कोई हक नहीं है, इस बच्चे पे आपका हक है। मैं भला किस मुंह से इस बच्चे पे अपना हक जताऊंगी जो इसे पैदा करके अनाथ आश्रम छोड़ आई। मैं तो बस आपसे यही चाहती हूँ कि क्या कभी कभी एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे को माँ का प्यार देने के लिए आ सकती हूँ क्या? हाँ बेटा आ जाना, और तुम्हारे आने जाने से ना मुझे भी लगेगा कि मेरा उजड़ा हुआ घर फिर से घर बन गया। हाँ देखो
लगता है इसको भी ना अपने माँ के प्यार की भूख लग गई है। ये भी बच्चे हैं, वो अपने कर्मों की सजा नहीं बल्कि अपने माँ बाप की गलती की सजा भुगत रहे हैं। इसलिए किसी नन्ही सी जान को दुनिया में लाने से पहले एक बार ये जरूर सोच लें कि क्या आप उनके साथ सही कर रहे हैं या गलत। हमारी वीडियो में दिया गया ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।